देख सकते हो सिर्फ 3 मिनट, 2 या 3 मिनट में ये पल्ला तैयार हो गया। यहाँ पे ना मैंने देवरानी को अच्छी तरह से रुला दिया है, ऐसा रुलाते देवरानी को तो पता ही नहीं देवरानी को कैसे रुलाते हैं। नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप लोग पता क्या बोल रहे होंगे कि डेली डेली अंदर की वीडियो ही डाल रहे हैं और बाहर तो नहीं दिखा रहे हैं, और बार बार किचन में घुसे हैं, तो यही काम रहता है बहू का, किचन से छुटकारा ही नहीं मिलता है। और आजकल जाना भी कहाँ है, बाहर तो बारिश लगी है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में ठंड लग गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हमने कहा हम अंदर का खाना बनाते हैं और अंदर ही अंदर आपके साथ बातचीत करते हैं और आपके साथ बने रहते हैं अंदर किचन में। और आज पता कौन बनाएगा, हर समय मैं बनाती ना, आज बनाएगी लच्छी। लच्छी बनाती है बहुत अच्छे पालक का साग, तो लच्छी बनाएगी आज पालक का साग। तो जैसे बनाएगी आज देखेंगे उसके हाथ का कैसा होता है। और लच्छी लच्छी तो रोने लग गई, इसको ना प्याज काटते समय ना बहुत आंसू आते हैं इसको, तो लच्छी रोने लग गई। यहाँ पे ना मैंने देवरानी को अच्छी तरह से रुला दिया है, ऐसा रुलाते देवरानी को तो पता ही नहीं देवरानी को कैसे रुलाते हैं। प्याज काटते समय ना बहुत देखा कितना रो रही है, इतना रुला दिया मैंने आज, ऐसा रुलाते देवरानी को तो पता नहीं जेठानी कैसे रुलाते देवरानी को, समझ गए? अगर किसी का ना मन करे देवरानी को डर भी लग रही है, ना समझ सकते हैं कहीं तो समझ आएगी ना। क्या हुआ कि जब किसी को वीडियो बन रहा है वीडियो बनता तो शांत छेन के ना तब तो थोड़ा आज भूख लग गई देवरानी को, क्यों लग रही है आज वो बना रही है। तो पालक के साग तो देखे तो नहीं यार, पालक का साग इसने परसों बनाया था, पालक का साग ना बहुत टेस्टी हो रहा था, तो मैंने कहा लच्छी आज भी तू ही बनाया यार, मैंने कहा बहुत टेस्टी हो रहा, तो आज बना रही लच्छी पालक का साग और हम भी खाएंगे यार, परसों तो इतना टेस्टी, आज भी ऐसे बनाना ठीक है, बढ़िया पड़ेगा। अच्छा फुल वाटा हूँ मैंने किला अच्छा लग रहा, अच्छा कुल होना जो तुम्हारा कभी ना बोले कि मेरे के कान बड़ो है लून बहुत पसंद जिथे भी ना तो मैं खाई गए दिखाती हूँ यहाँ पे लच्छी, तब तक ये बनाएगी पालक का साग, अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारी दानी क्या कर रहा है, वो भी मस्त और का है ना पड़े बड़ी बाई कान बैठी तू अच्छा आगे मिनट अभी नहीं पूरी आदमी पकड़ा कैमरा तो यहाँ पर लच्छी ने डाल दिया तेल है ना लच्छी, तो यहाँ पर तब तक लच्छी तेल डाल रही है और मैं तब तक अपना दाणी दिखाती हूँ, हमारा दाणी देखो क्या कर रहा है, क्यों दिखाती है तब डालू मैं क्यों। तो ये देखो आज मौसम भी वैसे हो रखा, किसी ने मतलब कमल कुमल नहीं उठा रखा अभी, और हमारा दाणी देखो यहाँ पे क्या देख रहा बाबू, बोतल भी लगा रखी है मुंह पे, और ये टॉवल तो ना साथ में चाहिए, ये पता नहीं इस टॉवल पे क्या जादू ऐसा है, इतना प्यार है ना इसको इस टॉवल से, ये सूंघता भी है इसको और किसी भी करता है इस पे पता, प्यार भी करता है इस टॉवल को, और इस टॉवल के बिना देखो मैं खींच रही तो हाथ कर आज ना मैंने ये वाली स्वेटर कंप्लीट की इसके लिए, देखो कैसी बना रखी, अच्छा अच्छा बना रखी, मैं तुझे थोड़ा ना पूछ रही भाई, मैं अपने व्यूअर्स को पूछ रही कि कैसा बना रही थी ना, अब मैंने आपको पूछा ना कि कैसे बना रही, तो ये सोच रही ये बोल रहा ना अच्छा बना रही, बार बार इसी को बोला मम्मी अच्छा बना रखा ना ताई माँ ने, अच्छा बनाया ना, कैसे बनाया सोने टॉप ये स्वेटर
आप बोल कैसे बनाया है? अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। अच्छा लगती। तो आज हमने उसके पास ना मोबाइल दे रखा क्योंकि वो बाहर ठंड में भाग रहा बाहर बाहर, तो हमने कहा तू मोबाइल पकड़ पा, तू यहीं पे रह भाई। अब चलते हैं। लच्छी क्या कर रही? बोलिया अंदर है, है? चल गरम है बोला थोड़ा बोलियो अंदर आई। तो लच्छी ने इसमें तेल में प्याज डाल दिया है और ये इसमें है चावल, प्लस थोड़ा साइड हो जाए। तो इसमें लच्छी पेस्ट बना रही है, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही है। और हरी सब्जी तो हमारी डेली बनती है, अभी इसमें और कटेगा। और ये पालक का ग्रेवी बन रखी इसमें, और इसमें लच्छी ने टमाटर पीस के रखा है ग्रेवी के लिए तैयार करके रखा है। और ये कल रात की चटनी, चटनी तो हमारे यहाँ बहुत बनती है। लच्छी थोड़ा 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 शांत है क्योंकि ना वीडियो बनाते समय खटखट आवाज आती है। तो ये पता, ये अब ये फुल भर रखा था है ना लच्छी, तो ये उस मूंगफली की चटनी है, ये फुल भर रखा था। और कल ही रात ही को खत्म हो गई, ये सुबह भी खाया और रात को भी खाया, तो दिन के लिए थोड़ा सी बच रही क्योंकि चटनी केविन और केविन की डैडी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये चटनी भी है और ये सब्जी है और ये कर दिया इसने। और लच्छी की आज लच्छी की विधि देखना, लच्छी कैसे बनाती है आज। तो लच्छी ने यहाँ पर लहसुन भी डाल दिया, लच्छी ने लहसुन और हरी मिर्च प्याज मिक्स कर दिया इसमें। तो लच्छी ने डाल दी इसमें क्या लच्छी, टमाटर की ग्रेवी। तो लच्छी ने यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी डाली सबसे पहले, और इसमें डाल दिया हल्दी, बेसिक मसाला जो होता है, नमक मिर्च मसाला और हल्का सा सब्जी मसाला डाला डालेगी इसमें, ये धनिया मसाला, धनिया मसाला, सब्जी मसाला। तो ये ग्रेवी बनके तैयार हो गया, इसने तेल छोड़ दिया है ग्रेवी में। जब तेल ग्रेवी में जब तेल छूटता है तो इसका मतलब मसाला पक गया है, तो इसमें तेल छूटने लग गया है। अब डालेंगे इसमें बेसन, बेसन डाल। तो ये हाथ ज़रा बंद कर सकते हैं, हाथ में तो बस। तो यहाँ पे ना ये मसाला बन गया है और ये ग्रेवी बन रखी है, तो यहाँ पर लच्छी ने ग्रेवी डाल दिया इसमें। तो ये है इसका सिंपल तरीका कि कैसे बनाती है, कि लच्छी कैसे बनाती है। तो ये है इसका राज कि कैसे बनाती है, अपनी अपनी विधि होती है। आज कुछ नहीं सिंपल, हाँ नहीं नहीं मतलब अपना अपना तरीका ना, कि कैसे कैसे कौन कैसे बनाता है, हर कोई अलग अलग विधि से बनाता है। मैं अलग विधि से बनाती हूँ, लच्छी अलग विधि से बनाती है, आप लोग कैसे बनाते हैं आप कमेंट करना। तो बस इसके बाद सीधा गर्म पानी कर रखा है लच्छी ने, तो सीधा गर्म पानी डालेगी लच्छी है ना। हाँ तो गर्म पानी डाल के बस हो गया हमारा पालक का साग तैयार। यहाँ पर बुनाई करना क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा लगाए रखा था, तब तक लच्छी ने कहा कि मैं पालक का साग बना रही हूँ, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। और यहाँ पे मैं करती हूँ बुनाई, तो इसमें भी सारे बुनने के लिए धागे आ रखे हैं, जो नीचे हैं खाने में सारे बुनने के लिए धागे आ रखे हैं। तो मुझे आजकल कम टाइम मिल रहा है, कम टाइम मिल रहा मुझे आजकल बुनने के लिए, क्योंकि खाना पीना बनाना फिर कभी कभार बुनती हूँ मैं। तो मैं आज लच्छी खाना बना रही थी, मैं फ्री थी, मैंने कहा मैं बुनाई करती हूँ, तब तक मैं बुनाई करती हूँ। फिर देख सकते हो सिर्फ दो या तीन मिनट में ये पल्ला तैयार हो गया, 2 या 3 मिनट लगे इसको बनाने में, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। मतलब टोपी बनाने में 3 मिनट लगते हैं, एक टोपी बनाने में 3 मिनट। तो ये टोपी बन के तैयार हो गई, देख सकते हो इसको मैं पूरा बनाऊंगी, ऊपर से भी ढंग से बनाऊंगी इसको, तब दिखाऊंगी आपको। देख सकते हैं मैंने बना के तैयार कर दी है टोपी। और ये जो ऊपर से बना रखा मैंने फूल टाइप का, इसमें मैं कैंची से काटूंगी तो और भी अच्छा लगेगा, जो ये फूल टाइप का है ये और भी अच्छा लगेगा। अभी तो इसमें यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगी अभी यहाँ पे, तब बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि इस समय तो टाइम नहीं है। अब खाने की तैयारी करते हैं हम। लच्छी ने भी बना दिया है पालक का साग, ये अच्छी देखो कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताएंगे कैसा लग रहा है। चाहे बाहर ना बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, हम संतरा खाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो, बाहर हाँ चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, हम संतरा खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि घर से आ रखे हैं संतरे। और ये हमारे ये वाले संतरे मेरे छोटा भाई लाया, हमारे छोटे भाई के ससुराल से मिले ये वाले, बहुत टेस्टी है इनके यहाँ से। मेरे भाई का ससुराल भी वहीं है और लच्छी का मायका भी वहीं है,
तो वहां से आ रखे, तो लच्छी को ये संतरे ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे ना लच्छी, क्योंकि लच्छी के माई के से संतरे, तो बहुत टेस्टी हो रही है, रसदार है। तो यहाँ पर हमारा खाना बन गया है, अब बेटा आने वाला है स्कूल से, तो उसके बाद हम खाना खा रहे हैं, खाएंगे सीधे। तो पहुंचने वाला है केविन भी, है ना, स्कूल से। बुनी जी कुछ पता मेरे सुहा चिक का नंबर एक कुछ बुनी हुए क्या पता, ए जान कभी कभी याद नहीं होता कि हम बन छो तन बन छो, ये बता इनको होने का नंबर। मैं वीडियो खत्म हो गया जी अब। हाँ ठीक है जी, खाली के कंधे बाई का लोग बाई को लोग कती जी दे बाई कने कती अभी और वहीं बहन मेरे बहुत सो सोनी देवड़ी और तेरी कमला भाई बाई कने बस तू कर दे यार छोड़ चंटे दे बस ले भगवान यानी बड़ी ब्लॉग इनके कंजे हेलो कंचन तुम ठीक चल सब बाय केविन का हम वेट कर रहे हैं, केविन तो अभी आया नहीं स्कूल से, अब पूरा काम नहीं पड़ गया, तब तक हम दोनों बनाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने रील्स बनाई, बहुत सारी रील्स आपने तो मैंने यूट्यूब में भी डाली है, और ये आ गया हमारा बेटा आते ही, मतलब तो केविन हाय हेलो पूछने गाइस ये भैया आवाज नहीं जा रही है, गाइस आजकल बहुत ठंड हो रही थी गाइस, मैंने मफलर पहना पर सर ने डांट दिया मफलर नहीं पहनना स्कूल में, डांटा क्योंकि बाहर ना बहुत ठंडा था गाइस, बाहर बहुत ठंडा था, जाते ही बोला मैं असेंबली में, सर ने बोला कि ये मफलर नहीं पहनना है, नहीं नहीं अलाउ नहीं है, टोपी भी हां टोपी तो पहन सकते हैं, क्यों राइट ना बता टोपी कहां आपकी, टोपी बैग में, टोपी तो आपने बैग में रखी, ये कैसे पहना था आपने, इधर वीडियो बनी बीच बीच ऐसे ऐसे काम रहता है इसके, पता क्या हम वीडियो बन रहे बीच बीच जाने है ये दिन पर चाची ली चाची ने भी टोपी उतारी बोल रहे थे, इसने स्कूल की टोपी पहन रखी थी, और ये गले का था ना, ये था इसने ना गले में डाला क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रखा था मौसम, तो इसको भाई लगता है ऐसे पहन पड़ेगा, हाँ ऐसे पहन सकता है तो ये मैं बोलूंगा सर ये तो हमारे स्कूल में मैचिंग मैचिंग है, ढंग से मैचिंग मैचिंग है, वो छोटा नाम है मम्मी मम्मी ये मत डालना सब ये मत डालना, सर बोलेंगे ये पहन के आएगा अच्छा करना पड़ेगा, कोई नहीं तो यहाँ से ना केविन ऐसे करके डालेगा, मफलर कैसे रहता गले में दिखा, जैसा आपने टोपी पहनी थी तो आपको डांट पड़ी, तो केविन ने ऐसे करके डाला था और बोलना ही था भाई ऐसे पहनना ना, डिस्प्लिन रहता भाई स्कूल हमारा, एक तो डिस्प्लिन स्कूल है भाई, हम ऐसे पहन रहे हम सही नहीं नहीं होता बेटा, जो यूनिफॉर्म है स्कूल की वही होना चाहिए जो सर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि तुम कुछ और पहन के जाओ, जो यूनिफॉर्म है वही रहता है, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन सबके लिए, गाइस देख सकते हो मैंने कपड़े क्या क्या पहने, कोट स्वेटर टाई टी शर्ट इनर, तो इतनी ठंड लग रही है गाइस, सुबह इतनी ठंड थी ना अभी 8 बजे बोल सकते हो, तो चल के भी खाना खाते हैं, पता क्या हुआ हमने खाना होना, केविन आया स्कूल से जल्दी है ना लच्छी, केविन स्कूल से आया और उसने कहा मम्मी भूख लग गई, मम्मी भूख लगी तो फटाफट हमने खाना खा लिया, और मैंने कहा मैं खाते समय बताऊंगी आपको कि लच्छी ने कैसे बनाया, तो सॉरी माफ करें क्योंकि होता ही ऐसा ही है जब स्कूल से बच्चा आता तो कैसे हपड़ तपड़ मचा देता ना, तो उसने मुझे कहा जल्दी खाना था जल्दी खाना था, तो उसको सबको खाना दे दिया, सास ससुर को सबने खा लिया, हमने भी खा लिया, और यहाँ पे बर्तन धो रही थी लच्छी और मैं यहाँ किचन की सफाई कर रही थी, तब तक लच्छी ने कहा कि दीदी बाय बाय तो किया ही नहीं क्योंकि इसको ज्यादा लगी रही थी बाय बाय की, तो माफ करें बहुत अच्छा बना रखा था लच्छी ने, बहुत टेस्टी हो रहा था देख सकते हैं आप, थोड़ा सी बच रखा मतलब वो मैंने इनके लिए बचा रखा, नहीं नहीं ये देख सकते हैं आप इतना ही बच रखा, इतना टेस्टी बना रखा था लच्छी ने, कितने कढ़ाई भर के थे था, ये मैंने इनके लिए बचा क्यों क्यों नहीं यार सच में बहुत टेस्टी बन रखा था इस। ये पक्का मान लेगी नहीं, ये कह रही थी झूठ बोलेगी नहीं सच्चे बोलेगी, तो मैं यहाँ गुड़ खा रही थी ना, तो मैंने सच बता रही मैं बहुत टेस्टी बना रखा था लच्छी ने, तो झूठ तो सिर भजाओ बन गया खा था पूरी कढ़ाई खत्म होगी, मतलब इतना बचा मैंने इसको भी कहा थोड़ा कम खा, मैंने भी थोड़ा कम खाया इनके लिए बचा रखा क्योंकि ना इनको भी पालक के साग बहुत पसंद है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।